अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए चलते हैं कि वो कैसे मालूम करते हैं। तो हमारे पास ये एक रकम दी गई है, एक्स प्लस वन का मुरबा प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फोर। तो हमने क्या करना है कि इसका पहले से केयर खोलेंगे, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो इसको मैं मुरबा खोलता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स की दो जमा एक जमा दो एक्स इज इक्वल टू चार। तो ये जो चार है ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस चार आ गया इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मुखसर कर लेना है, एक्स की दो ये दो एक्स जमा चार एक्स हो जाएगा, और ये जमा एक में से माइनस चार गए तो ये माइनस तीन बच गया, तो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ गया। ए हमारे पास कितना है, एक के बराबर, जबकि बी हमारे पास कितना है, चार के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना है, बी की दो माइनस चार ए सी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालेंगे, यहाँ कीमत दर्ज कर देंगे b की, तो ये चार का मुरब्बा बन जाएगा माइनस चार इंटू एक माइनस तीन। तो ये 16 बन गया, 16 जमा 12 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 28 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेट किस चीज़ के बराबर आ गया, हमारा 28 के बराबर आ गया। तो x इज इक्वल टू 28 ग्रेटर देन 0 के। अब इससे ये साबित हुआ कि ये बड़ा है 0 से, तो इसका जो हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम करना था, अब आगे ज़्यादातर ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बाद ये दूसरा चूज़ है, तीन के जमा दो इंटू एक्स की दो माइनस पाँच इंटू एक्स जमा एक इंटू एक्स जमा दो के जमा तीन इज इक्वल टू। तो ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने क्या करना है, इसके मुताबिक इसको कंपेयर कर लेना है। तो हमारे पास ए आ जाएगा तीन के जमा दो, जबकि बी हमारे पास कितना आ जाएगा, के जमा एक आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। बी की दो माइनस चार ए सी, ये फार्मूला लगाना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज कर देंगे माइनस पाँच इंटू एक्स जमा एक का मुरब्बा होल का, ये इसका मुरब्बा आ जाएगा, तो माइनस चार ए सी आ जाएगा। ए की हमारे पास वैल्यू कितनी है, तीन के जमा दो इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दो के जमा तीन। अब इसका जो स्क्वायर है वो हमने क्या करना है, एक्सपेंड कर लेना है इसको। तो इसका स्क्वायर खोलें तो 25 आ जाएगा इंटू एक्स
जमा एक का स्क्वायर मैंने से, अब इसको आपस में ज़रब दे दें, तीन के को दो के साथ ज़रब दी तो तीन छः के की दो आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, जमा नौ एक्स, ठीक है, अब इसके साथ ज़रब आ गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि दो को भी दो एक्स के साथ ज़रब दी तो जमा चार एक्स, चार के आ जाएगा। फिर उसके बाद तीन के साथ ज़रब दी तो तीन आ जाएगा। तो ये इसकी ब्रैकेट बंद होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि 25 इंटू के प्लस वन के की दो प्लस वन प्लस टू के, तो माइनस चार इंटू छः के की दो जमा नौ के, 13 के हो जाएगा, जमा छः आ जाएगा। नौ को चार में जमा किया तो 13 के आ गया। अब इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लें, पच्चीस के की दो जमा पच्चीस जमा पचास के आ जाएगा। मैंने से मनफी जो है ना वो अंदर तमाम के साथ ज़रब खा जाएगी। मैंने से चार छः चौबीस के की दो आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके साथ 13 के साथ ज़रब दिया तो मैंने से 52 के आ जाएगा। फिर उसको माइनस चार को हमने छः के साथ ज़रब दी तो क्या बन गया, माइनस माइनस 24 आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब हम जो के की दो वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये 25 में से चार 24 गया, के की दो बच गया, ये 50 और ये 52 इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस दो के। अब ये कांस्टेंट है बच गया 25 और 24, तो 25 में से 24 गए तो एक बच गया हमारे पास, जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो है के की दो माइनस दो के प्लस वन। ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो के माइनस वन का मुरब्बा, जो कि बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है। जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाए तो वो किस चीज़ के बराबर, वो ज़ीरो से बड़ा होता है।